बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब को मुबशिर ज़ुहूर स्पीक्स में खुश आमदीद कहते हैं। क्या मौजूदा हालात के पेश नज़र अगर हुकूमत मना करे तो क्या ईद की नमाज घर में अदा की जा सकती है? तो इसका जवाब ये है कि ईद की नमाज मुसलमानों की इज्तिमाईयत और शौकत का मज़हर है, इसलिए नमाज ईद का खुले मैदान में अदा करना सुन्नत है। और सेहत के माहिरीन भी कह चुके हैं, खुले मैदान में एहतियात को मलहूज़ खातिर रखते हुए नमाज पढ़ना ज़्यादा महफूज है। और शरई तौर पर ईद की नमाज घर पर नहीं अदा हो सकती, ना ये इनफरादी नमाज है। ईद की नमाज हमेशा जमात के साथ अदा होगी और ना ही इस नमाज की कोई कज़ा है। बस जो पढ़ेगा सवाब पाएगा और जो नहीं पढ़ेगा वो सवाब से महरूम हो जाएगा। और जहाँ आबादियाँ गुंजान हैं और खुला मैदान दस्तियाब नहीं है, लोग मसाजिद में ईद की नमाज अदा करते हैं, वहाँ अगर ज़रूरत महसूस की जाए तो दो खुतबों के साथ ईद की दो नमाज़ें भी अदा हो सकती हैं। और ये भी बात मलहूज़ खातिर रखनी चाहिए, रमदानुल मुबारक के दौरान मसाजिद में जिस तरह एहतियाती तदाबीर को मलहूज़ खातिर रखा गया, लॉकडाउन खुलने के बाद मार्केटों में इसका 1% भी नज़र नहीं आ रहा। अब लिबरल मीडिया खामोश है। जो लोग मसाजिद और दीन पर हर्जा सराई कर रहे थे, अगर ये लोग मुखलिस होते तो तकाबुल करके बताते, लेकिन अब इन सब की ज़ुबानें गुंग हो गई हैं। और ईद की नमाज हर सूरत बाजमात ही अदा की जाएगी और ये इनफरादी तौर पर अदा नहीं की जा सकती। जिन लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलामु अलैकुम।